लक्ष्मी आज मेरी है, कल किसी की है, परसों किसी और की है, ये तो यात्रा करती रहती है। और हनुमान है भाई अनिल जी, जो हनुमान जी के सुपुत्र हैं, इन्होंने इस यज्ञ के बाबत 11 लाख रुपए की राशि भेंट की है आपके और इसी क्रम में इनके भाई हैं। इसी तरह अनिल जी ने ब्राह्मणों की दक्षिणा में 251,000 रुपए का सहयोग किया है आपके प्रति भी। टोटल इन्होंने ये नहीं तो वो जवानी किया है, लोग बुढ़ापे में ईश्वर का कीर्तन करते हैं। आपने जो सहयोग किया है ये श्री चरणों में प्रसाद है, इसके अनुरोध में हम अभिनंदन करते हैं। और आपकी जो फल आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आज व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से एक व्यक्ति हरदम मुस्कुराता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं है। उसके जीवन में भी समस्याएं हैं, लेकिन उसको अपने कर्म और ईश्वर पर ज्यादा भरोसा है, इसलिए उसके जीवन में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। और मुस्कुराहट उसी चेहरे पर रह सकती है जो ईश्वर के बहुत करीब हो, और ईश्वर के बहुत करीब जाने का सबसे सुलभ साधन है जप और तप। तप का वही अर्थ है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आपने संस्कारों की सीरत और सूरत को बदला है। स्वागत अभिनंदन अनिल जी। उसी प्रकार उसके यज्ञ में भी जाकर के आहुति दे इन दुखियों से, और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो वयोवृद्ध हैं, उनसे जब आशीर्वचन मिलता है तभी देखा गोकासुर के आसपास के ऐसे गले इतनी दूर कथा सुन रहे हैं। तो आज के समय में सबसे बड़ी विकृति जो आ रही है समाज में वो इसी विषय को लेकर के आ रही है कि आज हमारे समाज में बहुत बड़ी विकृति आ गई। सेवाधारी है, सेवा कर रहे हैं तन मन धन। दादा माताएं बहने जो सहयोग करना चाहती है वो महिला कार्यालय में जाके संपर्क करें। आओ पानी तो कोई बात साइड में साइड में नहीं आता कोई बात।
पकौड़ी है पकौड़ी देने वाला है पंडाल में तो मेरे तावड़े ही लाए मैं बैठो पूजे तो वीडियो वगैरह बनाया करो कॉमेडी कॉमेडी बुरा लाल जी सागे बुरा लाल जी कॉल आए तो बुरा लाल जी कितने